हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम यहाँ पे वीकली एनालिसिस करेंगे कि क्या रेंज बनते हुए दिख रहे हैं, उसके बेस से हमें इस वीक में किस तरह से ट्रेडिंग को प्लान करना है, क्योंकि लास्ट वीक जो रहा बहुत ही वोलाटाइल रहा। मार्केट ने अपसाइड में 4000 पॉइंट मारा और फिर वहीं से डाउनसाइड भी ये लगभग नीचे आया। तो ओवरऑल जो मोमेंटम अप्स एंड डाउन्स का देखेंगे, 8000 पॉइंट से ज़्यादा का पूरे वीकली मोमेंटम रहा, अगर अपसाइड और डाउनसाइड दोनों को आप देखते हैं। उसके पीछे रीजन कुछ भी रहा हो, हम केवल टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, उसके बेस से हम ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैंने एक सीरीज अभी स्टार्ट किया है, कैंडलस्टिक पैटर्न पे पार्ट वन है। यहाँ बेसिक मैंने सिखाया है, विगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप जाके देख सकते हैं। लास्ट वीक के लिए अगर हम देखते हैं, लास्ट वीक का जो हमारा रेंज बना था वो 70,500 अपसाइड के लिए हमने प्रेडिक्ट किया था, 71,000 तो मैक्सिमम था, जो कि इसने 72,000 से भी ऊपर जाके टच कर किया है। नीचे हमारा जो लेवल था 66,000 का था, तो अराउंड इसने 67,000 कि अराउंड में ये आया है और उसके बाद में मार्केट वहीं सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद में फर्दर अगर आपको बेहतरीन लर्निंग चाहिए, डेली बेस से आपको लर्निंग देखना है, सीखना है कि मार्केट मॉर्निंग में क्या कर रहा है, इवनिंग में क्या कर रहा है, तो मैं आपके लिए मॉर्निंग में भी वीडियो लेके आता हूँ और इवनिंग में भी मैं आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे आपकी लर्निंग और क्या सेंटीमेंट्स बन रहे हैं उसके बेस में विथ लॉजिक होता है ईच एंड एवरीथिंग। और इसके साथ ही मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यहाँ मैं अपने व्यूज़ पोस्ट करता हूँ। यहाँ अराउंड 1200 प्लस लोग हैं जो जिनके साथ मैं अपनी व्यूज़ शेयर करता हूँ और हम साथ में ट्रेडिंग करते हैं, जो भी हमारा प्राइस एक्शन बनता है उस बेस पे। अब हम फ्रेंड्स चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एनालिसिस होती है मंथली बेस से स्टार्ट होते हुए हम आवरली ट्रेडिंग टाइम फ्रेम तक जाते हैं, वन बाय वन करके हम देखेंगे, क्योंकि एरियल व्यू बहुत ही अच्छा होता है। तो लास्ट वीक के लिए मेरे पास दो सेंटेंस हैं कि गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। जिनका लॉस हो गया है, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि हमें यहाँ पे सेल करना है, वहाँ पे बाइंग साइड में चला गया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा उसी लेवल पे आ गया, मतलब मार्केट आपको रिस्क वर्सेस रिवार्ड देता है, लेकिन आपका प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए। सही जगह पे आपकी एंट्री होनी चाहिए और सही जगह पे एग्जिट तो होती नहीं, एंट्री ही हमारे हाथ में है, क्योंकि एग्जिट हो सकता है हम अपने 2000 पॉइंट पे करें, वो ऊपर जाके 3000 पॉइंट पे चला जाए, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम केवल हमें एंट्री हमारा डिसाइडेड है कि इस लेवल पे आएगा तो हमें एंट्री करना है, जो भी हमारा प्राइस सेक्शन या फिर रेंज बनते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को भी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ हम जो हमारी एनालिसिस होती है, करंट मार्केट प्राइस से हम ऊपर चलते हैं, तो सबसे पहले हम इससे थोड़ा सा ऊपर अगर चलते हैं तो मार्केट के लिए जो फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया अभी इसके लिए बनता हुआ दिख रहा है, जो 68,000 का लेवल है, क्योंकि मार्केट उससे नीचे की क्लोजिंग दिया है, तो 68,000 की जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं करता है तक मार्केट के लिए अभी थोड़ा नेगेटिवनेस बनी रहेगी। तो थोड़ा सा इससे और ऊपर जाते हैं तो 69,000 थोड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है इसके लिए, जो कि पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। तो फर्स्ट हमारी जो लाइन रहेगी यहाँ पे रेड कलर की है, उसकी थिकनेस हमारी 3 रहती है। उसके बाद नेक्स्ट इसके ऊपर जब इमीडिएट चलते हैं 70,000 पे, आप देख रहे हैं मार्केट थोड़ा टाइम बिताया है, तो 70,000 पे हमारा दूसरा रेजिस्टेंस आ गया। थर्ड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट जहां से रिएक्ट किया था 72,000 के अराउंड में बनता हुआ दिख रहा है, जहां से इसका इतना ज़बरदस्त डाउनफॉल हुआ है। तो अभी ओवरऑल जो मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है, यही रेंज बनते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद में 71,000 का भी एक रेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ऊपर की तरफ रेंज हो गई 1000 पॉइंट पे है। अब नीचे की तरफ हम इससे चलते हैं करंट प्राइस से, तो सबसे पहला जो इसका सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 67,000 के लेवल पे है फ्रेंड्स, क्योंकि 67,000 का लेवल अगर मार्केट तोड़ देता है तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं मार्केट बड़े मूव्स डाउन साइड के लिए देना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए बनता हुआ दिख रहा है, उस लगभग 66,000 के अराउंड में बनता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि मार्केट इसी के आसपास आता है फिर ऊपर निकल जाता है। इन केस 66,000 को भी टच करने आ जाता है तो फिर इसके लिए नेक्स्ट मूव फर्दर जो डाउन मूव होता हुआ दिख रहा है वो लगभग 65,000 से भी नीचे होता हुआ दिख रहा है, जो कि मंथली टाइम फ्रेम में है वो अराउंड है 64,700 के अराउंड में है। तो इसके लिए नीचे के रेंज बन गए हैं। उसके बाद तो मार्केट बहुत ही वीक हो जाएगा, इतना आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आता है तो फिर मार्केट के लिए नेक्स्ट इसके सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 64,000 के अराउंड में बनता हुआ दिखेगा, जो कि उससे थोड़ा अप्स एंड डाउन हो सकता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं कैसे ड्रा कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना रखी है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो मार्केट के लिए अभी मंथली टाइम फ्रेम में ऊपर की जो रेंज निकल के आ रही है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस जहाँ पे मार्केट खड़ा है उसके लिए 67,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट है मंथली टाइम फ्रेम के लिए। इन केस इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट बड़े मूव्स के लिए 64,000 65,000 का भी लेवल ये दिखा सकता है।
अब इसके बाद में नेक्स्ट मूव हम देखते हैं इससे एक स्टेप ऊपर चलते हुए, जो कि हमारी होती है वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस में अगर फ्रेंड्स अगर यहाँ आप देखते हैं तो मार्केट के लिए जो ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा था, अगर ट्रेंड की आप बात देखते हैं तो मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर निकला था और एक डॉजी टाइप का कैंडल बनाया था, उसके बाद में धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में चलता आ रहा था। लेकिन ये जो स्पाइक आया, एक अपसाइड मूव आया 72,000 को इसने टच किया, ये मूव अगर ये सस्टेन कर लेता इस रेंज के ऊपर तो मार्केट में पॉजिटिवनेस बन जाती। लेकिन मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर गया उतनी ही तेज़ी में दो दिन में इसने डाउन मूव दे दिया अपना, मतलब जहाँ से गया था वहीं आ गया, खाया पिया कुछ नहीं, बस ऊपर गया नीचे आया अपना मोमेंटम किया। यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत ही प्रॉफिट हुआ और जो अपना इन्वेस्टिंग करके बैठे थे वो वही लेवल पे खड़े हैं जिस लेवल पे नेक्स्ट लास्ट वीक में थे। तो हम दोबारा से जो रेंज देख रहे हैं दिसंबर के आसपास मार्केट दोबारा से आ गया है। इन केस अगर ये इसके नीचे निकलता है तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर वाले लेवल्स पे ये दोबारा से मार्केट आता हुआ दिख सकता है, जो कि 67,000 को ब्रेक करेगा तो 66,000, उसके बाद 65,000 का लेवल इसके लिए दिखाई पड़ सकता है वीकली टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि मार्केट निगेटिव हो गया है। अब निगेटिव होने के साथ साथ अगर इसको ऊपर निकलना है तो 68,000 के ऊपर सस्टेन करता इसको बनना चाहिए। 68,000 के अगर नीचे ट्रेड करता है, एक दिन भी ट्रेड करता है, दिन ट्रेड करता है, इसका मतलब है कि मार्केट दोबारा से डाउन मूव आपको दिखाने वाला है। तो यहाँ पे जो हमने अभी मंथली में ड्रा किया था सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में एक स्टेप अगर हम नीचे चलते हैं तो हमारा आता है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहेंगे तो हम यहाँ से एक सबसे पहले ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं कि जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही थी फ्रेंड्स, तो मार्केट उसके नीचे अभी क्लोजिंग दे दिया है। अब क्लोजिंग तो दे दिया है इसने, लेकिन क्लोजिंग के साथ साथ अभी इसका जो कलर कोडिंग है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा रेडिश कर देता हूँ इसका कलर कोडिंग। तो ये जो इसका कलर है आप इसमें जो देख रहे हैं थोड़ा ब्राउन कलर का है, तो इसने मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया है जो एक ट्रेंड बना था। और ओवरऑल जो ये रेंज है, ये अगर रेंज की हम बात करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये जो रेंज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 70,000 से लेकर 67,000 इस रेंज में मार्केट जब तक है तब तक हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन 67,000 के नीचे निकलने पे मार्केट वीकनेस बढ़ जाएगी, फिर हमें वहाँ से बड़े मूव्स डाउन साइड के लिए दिखाई पड़ेंगे। अब हम आ गए हैं फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा पैटर्न करता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम में जो मूव्स यहाँ बने थे, यहाँ देखोगे आप दिसंबर से अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं तो दिसंबर में ऐसे मूव्स नहीं बने थे कि जिसमें 2000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव। सबसे बड़ी कैंडल बनी है जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के दिन बनी है। जितनी कैंडल ऊपर बड़ी बनी थी उतनी ही कैंडल नीचे बन गई। ये मार्केट धीरे धीरे अब ट्रेंड शिफ्ट हो रहा था, तो हमें ये थोड़ा सा हमने मान लिया था कि अपसाइड जाएगा, लेकिन इतनी तेज़ी से फॉल होगा इतना प्रिडिक्शन नहीं था। फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर जाता, सेकंड हाफ में नीचे जाता, उसके बाद नेक्स्ट डे तो ज़बरदस्त ब्लडबाथ हो जाता है। तो क्या इसके पीछे भी अदानी है या कोई और है, ये एक अलग मैटर है, क्योंकि हम न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हम इसमें जस्ट ट्रेडिंग करते हैं कि क्या प्राइस सेक्शन बोल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से जो 68,000 का लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक ये 60,000 के ऊपर निकलता नहीं है तब तक मार्केट में वीकनेस स्ट्रांग है और हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत ही कम या फिर ना के बराबर देखनी। दोबारा से जब इस रेंज पे घूमने लगता है तो फिर हमें थोड़ा बहुत स्कल्पिंग वगैरह देख सकते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट में कन्फ्यूजन का सिनारियो है, क्या होने वाला है मार्केट को खुद अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो दो महीने की रेंज में मार्केट क्या दोबारा से आने वाला है, ये भी मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर इनके से जो आजकल की क्लोजिंग है इसके नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, 67,000 इसके लिए निकल के आता है, 67,000 के नीचे डेली टाइम फ्रेम में 66,000 और इस सारे लेवल यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको डाउन मूव के लिए ही मार्केट यहाँ पे सेंटीमेंट बनाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रेंज में है। अगर रेंज ब्रेक हुई तो जितनी रेंज बनी हुई है 3000 पॉइंट की, तो 3000 पॉइंट इसको नीचे आना चाहिए। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा अपने 4 आवर सेटअप में भी देख लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि 4 आवर सेटअप जो है वो हमें और क्लियर कट मूव देता है कि आवर्ली में हम किस तरह से हमारा जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम कैसे ट्रेडिंग करें। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा था,
लेकिन जो फरवरी में बजट का सेशन था, बजट के दिन में 1 फरवरी से मार्केट थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अपसाइड जाता, रेंज बनाता, ऊपर जाता। उसके बाद में जो 2:05 बजे फर्स्ट हाफ में तो ऊपर गया ये, सेकंड हाफ में जब इसने डाउनसाइड रैली स्टार्ट किया वो अभी भी कंटिन्यू है। इन केसेस से कंटिन्यूएशन में नीचे आता है तो यहाँ पे ही एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है जो कि ये सपोर्ट है। बाकी तो इसने सारे जो रेजिस्टेंस थे, सपोर्ट थे, उसको इसने तोड़ दिया है, जो कि यहाँ मल्टीपल टाइम पे आप देख सकते हैं। ये सारे इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाले थे। तो 68,000 का लेवल इसी वजह से क्रूशियल बना हुआ था। अभी 68,000 को ये नीचे निकाल चुका है और ये दूसरी बार 2 महीने के अंदर दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो इनके 67,000 का जो हमारा स्ट्रांग सपोर्ट है, ये अगर टूट जाता है तो फिर हमें डाउन मूव के लिए रेडी रहना चाहिए, अप एंड डाउन थोड़े थोड़े पॉइंट्स के लिए। जैसा रहेगा, मैं आपके लिए मॉर्निंग सेंटीमेंट्स में जो वीडियो डालता हूँ उसको आप देखिए, सीखिए और लर्न करते रहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब आप यहाँ भी देख लेते हैं तो यहाँ भी मार्केट निगेटिव ही बना हुआ है। ऊपर मार्केट 68,000 के ऊपर ही जाएगा, उसमें थोड़े थोड़े करके हम इसमें ट्रेडिंग ले सकते हैं, फिर हमारा उसी रेंज में जाके फंस जाएगा। अब यहाँ पे आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो आवर्ली टाइम फ्रेम में भी मार्केट अभी थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन किया है लास्ट के 2 घंटे में, जो मार्केट यहाँ पे आया था। लेकिन अभी ये लेवल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़बरदस्त फॉल हुआ है। हो सकता है दोबारा से यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करे, तो इस वजह से अभी यहाँ पे कुछ भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना अभी थोड़ा सा गलत होगा। क्योंकि एक रूल होता है कि मार्केट जितना ज़बरदस्त फॉल किया है एटलीस्ट उसके बराबर जाके क्लोजिंग कर दे, तब मार्केट न्यूट्रल होता है। तो अभी इसने ना क्लोजिंग किया है, कंटिन्यू डाउनसाइड आ रहा है। जब भी मार्केट आता है थोड़ा टाइम देता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि आपको कभी भी ये ऐसा नहीं शो करता कि आप उसमें फंस गए हैं। मार्केट हमेशा अपना इंडिकेशन देता है, उसके बाद में ही मोमेंटम करता है। जब भी देखेंगे आप, मार्केट टाइम दिया है, उसके बाद ही मूव किया है डाउनसाइड के लिए। अब उसके बाद में मार्केट में क्या होने वाला है वो हमें दोबारा से इंडिकेट करेगा। अब यहाँ थोड़ा रेंज बना रहा है। अब रेंज बना के जैसे 67,500 के नीचे दोबारा निकलता है तो 67,000 का लेवल निकालेगा, 67,000 के नीचे भी निकलता है तो फिर 66,000 का लेवल बनता हुआ दिख रहा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ओवरऑल लर्निंग है इस वीक का। जो रेंज है मार्केट अपसाइड के लिए 72,000 का लेवल, इसके लिए थोड़ा सा भी हार्ड हो जाएगा। तो 71,000 तक का लेवल ये ऊपर दिखा सकता है। और नीचे की अगर बात करें तो नीचे इसके लिए 65,000 के आसपास आने के चांसेज आसार बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को रेडी रखना होगा कि मार्केट किस तरह मूव करता है, वैसे ही आपको प्राइस एक्शन बेस में ट्रेडिंग के प्लान करना होगा। क्योंकि अगर आप वन साइड ट्रेड करते हैं या फिर बाइंग साइड या फिर सेलिंग साइड में, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पेनफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप दोनों साइड का प्लान करते रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। मार्केट ओपनिंग होती है तो आप न्यूट्रल रहिए, आपको जिस साइड में जाता है मार्केट उस साइड में आप रैली एंजॉय करिए, बस आपका सेटअप में बनना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू।